हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल दियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो ओके, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास. विल ओपन द मैथ्स बुक. दिस इज़ योर मैथ्स बुक. हम सब ओपन करेंगे ये वाली बुक एंड वी विल ओपन पेज नंबर 33. कौन सा पेज नंबर ओपन करेंगे? 33. ऑर्डिनल नंबर्स, ORDINAL, ordinal, NUMBERS, numbers, ordinal numbers. तो आज हम ordinals numbers करेंगे. बेटा पहले भी मैंने आपको समझाया ordinal numbers क्या होते हैं, तो चलिए आज दोबारा revision करते हैं कि what do you mean by ordinal numbers. देखो, ऑर्डिनल नंबर का मीनिंग क्या होता है, आज हम ऑर्डिनल नंबर 1 to 10 तक करेंगे. ऑर्डिनल नंबर का मीनिंग होता है नंबर दैट टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब जो नंबर हमें ऑर्डर के बारे में बताता है. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं. जैसे अब जैसे आप क्लास में जब स्टडी करते हो तो जो सबसे अच्छी स्टडी करता है वो फर्स्ट आता है, जो उससे थोड़ी से कम मार्क्स आते हैं वो सेकंड आता है, फिर थर्ड आते हैं, है ना. तो ऐसे आप लोगों को पोजीशंस दी जाती है ना, पोजीशंस को भी बोलते हैं. तो ऐसे आपको पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, तो उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. तो इनको हम स्पेलिंग्स में लर्न करेंगे. जैसे अब आप देखो, फर्स्ट के पीछे ST लगा हुआ है, लेकिन हम इसको लिखेंगे FIRST, फर्स्ट. अब सेकंड के अंदर देखो, SECOND, लगा हुआ है पीछे, सेकंड. थर्ड में देखेंगे RD लगा हुआ है, तो THIRD, थर्ड. अब फोर्थ से लेके बेटा 10 तक सब में TH लगा हुआ है. तो आपको सिर्फ ये तीन वाले वर्ड अच्छे से माइंड में आपको बिठाने हैं. बाकी 4 से लेके 10 तक हमारे पास TH दिया हुआ है ना. तो अब 4 कैसे लिखेंगे? 4 की स्पेलिंग आपको आती है FOUR, 4, और पीछे हम क्या लगा देंगे? TH. तो बन गया हमारा फोर्थ. अब फिफ्थ से FIFTH, फिफ्थ. सिक्स की SIXTH, सिक्स्थ. सेवेंथ की SEVEN, सेवन. TH, सेवेंथ. एट्थ की EIGH, TH, एट्थ. नाइन्थ की NIN, TH, नाइन्थ. टेंथ की TEN, TH, टेंथ. तो इनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. हमने कहाँ से कहाँ तक किए? 1 से लेके 10 तक ऑर्डिनल नंबर किए. तो ऑर्डिनल नंबर हमें पोजीशंस और ऑर्डर के बारे में बताता है. तो चलिए इसी तरीके से हम एक स्टोरी के थ्रू करते हैं. अब हम देखेंगे इसमें, ये देखो, कार रेसिंग है. कार तो सबको पसंद है ना. तो देखेंगे अब ये कार है. जब कार की रेसिंग लगती है तो फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, हम बताते हैं ना. जो सबसे पहले आया उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट. जो सेकंड आया उसको हम कैसे लिखेंगे? SECOND, सेकंड. और जो थर्ड आया THIRD, थर्ड. और जो फोर्थ आया FOURTH, फोर्थ. और जो फिफ्थ आया FIFTH, फिफ्थ. तो है ना, कार रेसिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आई है ना कार. तो इसी तरीके से आपको बेटा ये स्पेलिंग्स लर्न करनी है. तो इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर. जब हमें ऑर्डर मिल जाते हैं, पोजीशंस मिल जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उन्हें ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं. अब हम निकालेंगे आप पेज नंबर 33. पेज नंबर 33 करेंगे. तो सबसे पहले हमारा आज का वर्क ये वाला है. तो हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? CW. विल राइट CW. विल राइट द डेट. व्हाट विल बी द डेट? 2020.
कौन सा मंथ बेटा? फिफ्थ मंथ. फिफ्थ मंथ कौन सा होता है? मई का. एंड 2020, 2020 क्या है आपका? ईयर. क्या है? ईयर. ये आपकी डेट है, ये आपका मंथ है और ये आपका ईयर है. आई विल राइट द डे ऑल्सो. तो बेटा डे क्या है आज? वेडनसडे. क्या है? डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनसडे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको सी डब्ल्यू डेट और डे लिखना है. तो नाउ विल स्टार्ट. तो आज हम कौन सा कर रहे हैं? टॉपिक ऑर्डिनल नंबर्स. कौन सा कर रहे हैं? ऑर्डिनल नंबर. आप देखेंगे क्वेश्चन. लुक, एल ओ डबल ओ के, लुक एट दी पिक्चर एंड टेल व्हाट इज एट विच प्लेस. तो हमें अभी इसके प्लेस के बारे में बताना है, ये कौन से हमारे प्लेस पे है. अब देखो यहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले फर्स्ट आता है. फर्स्ट आता है ना, तो एफ आई आर एस टी फर्स्ट पे क्या दिया हुआ है? बेल. क्या दिया हुआ है? बेल. अब सेकेंड पे देखो क्या दी हुई है हमारी, एस ई सी यू एन डी. सेकेंड पे चेयर. थर्ड पे हमारा कप है. फोर्थ पे हमारी टॉफी है. फिफ्थ में हमारा टेलीफोन है. सिक्स्थ पे कैप है. सेवेंथ पे एप्पल है. एट्थ पे कार है. एंड नाइन्थ पे कैट है. तो अब इसमें आपको प्लेस बताने हैं कौन कौन से प्लेस पे. अब देखो इसके लिए आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए. तो आपको डेली रीडिंग करनी है. देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ये किया हुआ है सी ए टी कैट. कैट इज आई एस इज एट डैश प्लेस. कैट देखेंगे सबसे पहले. कैट कहाँ है? ये री कैट. ये री कैट. कैट कौन से प्लेस पे है? सबसे लास्ट है ना, एन आई एन टी एच, नाइन्थ. कौन से प्लेस पे बेटा? नाइन्थ प्लेस पे है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. टेलीफोन इज टी ई एल ई टेली पी एच ओ एन ई फोन. टेलीफोन इज एट डैश प्लेस. पी एल ए सी ई प्लेस. तो देखेंगे यहाँ पे टेलीफोन कहाँ दिख रहा है आपको. देखेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये रहा टेलीफोन. अब टेलीफोन कौन से नंबर पे है, कौन सी पोजीशन पे है, कौन से प्लेस पे है? फिफ्थ पे. कौन से पे है? फिफ्थ. एफ आई एफ टी एच फिफ्थ. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? फिफ्थ. क्या आएगा? फिफ्थ. अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट बी ई डबल एल बेल. बी ई डबल एल बेल इज एट डैश पी एल ए सी ई प्लेस. बेल को देखेंगे कहाँ पे है बेटा? ये री बेल. एफ आई आर एस टी फर्स्ट. एफ आई आर एस टी फर्स्ट. तो बेल इज एट फर्स्ट प्लेस. नेक्स्ट ए डबल पी एल ई एप्पल. ए डबल पी एल ई एप्पल इज एट डैश पी एल ए सी ई प्लेस. एप्पल देखेंगे कहाँ पे है आपका? एप्पल ये रहा. एप्पल. एप्पल इज एट एस ई वी ई एन टी एच सेवेंथ प्लेस. कौन से प्लेस पे है? सेवेंथ. एस सी वी ई एन टी एच सेवेंथ प्लेस. नेक्स्ट देखेंगे कार. सी ए आर कार इज एट डैश प्लेस. पी एल ए सी ई प्लेस. कार देखेंगे कहाँ पे आपकी? ये रही कार. कार कौन से प्लेस पे है? ई आई जी एच टी एच एट. कौन से प्लेस पे है? एट. तो विल राइट हेयर एट. नेक्स्ट देखेंगे चेयर इज एट डैश प्लेस. चेयर देखेंगे कहाँ पे है बेटा? ये रही हमारे पास चेयर. चेयर कौन से प्लेस पे? ये देखो रीड करेंगे एस ई सी ओ एन डी सेकेंड. कौन से प्लेस पे है? सेकेंड. नेक्स्ट देखेंगे सी यू पी कप इज एट डैश प्लेस. कप को देखेंगे कप कहाँ है? ये रहा कप. सी यू पी कप. कप इज एट थर्ड प्लेस. टी एच आई आर डी थर्ड. तो यहाँ लिखेंगे विल राइट हेयर थर्ड.
नेक्स्ट TOFFE टॉफी इज एट डैश PLACE प्लेस। टॉफी देखेंगे बेटा, ये री टॉफी, टॉफी कौन से प्लेस पे है, इसको रीड करेंगे FOUR 4 TH फोर्थ, कौन से प्लेस पे बेटा, फोर्थ। कैप CAP कैप इज एट डैश प्लेस, कैप कौन से प्लेस पे है बेटा, कैप देखेंगे कहाँ है, ये री कैप, तो कैप कौन से प्लेस पे है, SIX 6 TH 6 कौन से प्लेस पे है, सिक्स प्लेस पे। तो इसी तरीके से आपको ये वाला पेज करना है, पेज नंबर 33। सो टेक आउट योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 ये भी हम करेंगे। तो विल राइट हेयर CW डेट एंड डे, ठीक है, वही लिखना है आपको, लाइक CW डेट क्या है और डे क्या है। तो देखो, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द ऑर्डर THE the order of fruit 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 licking liking of a girl are given 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 below 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 means नीचे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे फ्रूट्स दिए हुए हैं, फ्रूट्स फर्स्ट FIRST फर्स्ट, फर्स्ट विल रीड दी ऑल FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIFTH फिफ्थ, SIXTH सिक्स, SEVNTH सेवेंथ, ठीक है, मेरे साथ साथ रीड करना है। ओके, राइट WRITE राइट द ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रूट, हमें इसमें ऑर्डर लिखने हैं, इनके प्लेसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो, बनाना कौन से प्लेस पे है, इधर कौन क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, तो हमने इधर सेकंड लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एप्पल, एप्पल कौन से प्लेस पे है, यहाँ पे देखेंगे सारे में एप्पल कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। तो एप्पल कौन से प्लेस पे है, FIRST फर्स्ट, कौन से प्लेस पे है, तो विल राइट हेयर फर्स्ट। अब ये देखेंगे पोमोग्रेनेट, ये कौन से प्लेस पे है, देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, ये रहा SIXTH 6 तो कौन से प्लेस पे आएगा, सिक्स। आप देखेंगे ये पाइनएप्पल कौन से प्लेस पे है, इधर देखेंगे सारे, ये रहा FOURTH फोर्थ, कौन से प्लेस पे बेटा, फोर्थ, तो विल राइट हेयर फोर्थ FOURTH फोर्थ। अब इसी तरीके से आपको मैंगो का प्लेस लिखना है, ग्रेप्स का लिखना है और इसका लिखना है, ठीक है, तो विल राइट। अब आपको यहाँ पे प्लेसेस लिखने हैं, तो आपको कौन कौन से पेजेस करने हैं, पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34, ओके।